कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 7 का मैथ्स करने जा रहे हैं बच्चों। और मैथ्स में जो आपका चैप्टर चल रहा है डाटा हैंडलिंग, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो आपने टॉपिक सीखे मीडियन एंड मोड, कुछ दो नए टॉपिक आए हैं आपके सामने। और अब आपके टोटल 3 चीज हैं जो आप प्रॉपरली कर चुके हैं। एक्चुअली 4 चीज हैं। आपने रेंज इसमें सीखी है निकालना, फिर मीन मीडियन एंड मोड, ये 3 चीज सीखे हैं। क्या क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, माध्य, और क्या बोलते हैं मीन मीडियन और मोड, और इसको माध्य बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। और इस तरह से हमने इसके फॉर्मूले जो भी होते हैं निकालने के वो सीखे। उसके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अब तीनों चीज ये जो हमने सीखी हैं इनके आधार पे क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन में तीनों चीज का यूज हो सकता है, दो का हो सकता है, एक का हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आती आपको सारी चीज है। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो आपका चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन, यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। और जो चीज हम सीख चुके हैं यहाँ पे वो है मीन मीडियन एंड मोड। तो मीन आपको निकालना आता है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर मीडियन क्या होता है, मीडियन को हम माध्यक बोलते हैं, और ये होता है जो आपका सेंट्रल नंबर होता है उसको हम मीडियन बोलते हैं। और जो मोड होता है वो क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसको मोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनके बेसिस पे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो ये 10 लड़कियों की ऊंचाइयां दी गई हैं। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। इसमें आप चेक करिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप देखेंगे 135, 150 और इस तरह से 139, 128, 151, 32, 140, 149, 143, 141। तो उसमें से सबसे बड़ी की ऊंचाई क्या है, 151 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर सबसे जो लंबी लड़की है उसकी लंबाई है ये। ठीक है, अब इसी तरह सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या होगी। तो सबसे छोटा नंबर इसमें देखेंगे तो 128 आता है, 128 सेंटीमीटर हो गया सबसे छोटी लड़की की लंबाई। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, यानी रेंज पूछा गया है। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यही होता है रेंज। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अभी तो निकाली थी हमने 151, 151 माइनस 128, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इनका माइनस करेंगे तो 23 आएगा। अब लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है। तो माध्य ऊंचाई या फिर मीन आप बोल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है मीन का, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे, सबका योग कर देंगे। मीन माध्य इसको हम कैसे कर देंगे, 139 है प्लस 128
प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 और प्लस 143 प्लस 141। अब ये आप नंबर काउंट करेंगे तो कितने होने चाहिए? ये 10 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 लड़कियों की लंबाई दी गई है तो 10 होने चाहिए। देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 और इसमें जो हम मिस कर रहे हैं नंबर, कौन से हैं? 135 और 150, जो स्टार्टिंग में थे। 135, 135 प्लस 150, अब यहाँ पे 10 नंबर हैं। इन सब को आप ऐड करेंगे, इन सब का योग करेंगे तो क्या आएगा? ये आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पहले सबकी इकाई की प्लेस ऐड कर देंगे। इकाई की जो इकाई प्लेस पे डिजिट है वो आप ऐड करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो दहाई प्लेस पे है वो ऐड करेंगे और इकाई पे जो हासिल बची वो। ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 1414/10। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमलव में कन्वर्ट करना, तो काफी आसान है। क्या करना होगा, देखिए नीचे एक जीरो है तो हम राइट साइड से दाईं तरफ से एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 141.4 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये मीन हाइट है, ठीक है, या फिर माध्य ऊंचाई आप बोल सकते हैं, या लंबाई। कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है ये आपको बताना है। तो माध्य लंबाई कितनी है? 141.4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आप काउंट करेंगे कि 141.4 से बड़ा कौन सा है, तो 143 है एक तो बड़ा, 149, 146 और 151, 150। ये है कितने हो गए, ये 1, 2, 3, 4, 5। तो आप बोल सकते हैं पांच लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। दैट्स ऑल, यहाँ पे सारे पार्ट्स आपके खत्म होते हैं। तो अगर आपको कोई इसमें डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये आपके सामने। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, देखिए एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे रन दिए हुए हैं कि कितने रन खिलाड़ियों ने बनाए हैं। अब आपको ये रन दिए हैं, इन आंकड़ों के माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तीनों आपको ज्ञात करने हैं, तो तीनों कैसे ज्ञात करेंगे आप? सबसे पहले मीन निकालेंगे, मीन तो बहुत बारी आप निकाल चुके हैं। मीन या फिर माध्य आप बोल सकते हैं, क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना, जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनका योग बटे जितने कितने आंकड़े हैं वो लिखना है नीचे। तो कितने हैं देखिए, 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80, 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन, यहां पे ये कितने आंकड़े हैं ये आपको गिनना पड़ेगा। तो कितने होंगे ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो यहाँ पे 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इन सब का योग करना है और आप ऐड करके इनको लिख देंगे। यहाँ पे कितना योग आएगा वो आप यहाँ पे करके देख लेंगे। तो 6
सबके इकाई की जो डिजिट है वो ऐड करेंगे, 6 + 5 कितना हो गया 11, और 11 + बाकी सब जीरो है इकाई की प्लेस पे, 11 + 5 कितना हो गया 16, 16 + 8 कितना हो गया 24, और 24 + 5 कितना हो गया 29, 29, और 2 यहाँ पे हासिल लग जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद फिर से इसको ऐड करेंगे, कौन सा प्लेस करेंगे आप, जो दहाई प्लेस पे आएगा उसको आप ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दहाई प्लेस पे इस नंबर पे कुछ भी नहीं है, इस नंबर पे कि कौन सी डिजिट है, टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, जहां पे उसको आप छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक है, 1 + तो 3, 3 + 5 8, 8 + 0 8, 8 + 8 16, 16 + 1 17, और 1 18, 18 और 1 19, और 1 20, 20 है, और यहाँ पे 2 आपकी हासिल लग गई, तो कितना हो गया 22, फिर से 2 हासिल आ गए, तो 2 हासिल फिर से लगाएंगे, और इस बारी जो 100 की प्लेस पे है उन नंबर्स को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 100 की प्लेस पे सिर्फ ये एक, तो एक है प्लस एक दो, और 2 हासिल थी, कितने हो गए 4। तो ये बच्चों डायरेक्टली हमने ऐड कर दिया है बिना ऊपर नीचे लिखे, अगर आपको ऐसे परेशानी हो रही है तो आप इसको अलग से लिख के ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो कितना आएगा, 429 को 11 से भाग करना है, कितना आ जाएगा 11 या 33, और यहाँ पे बच जाएगा 9, नीचे हमने 9 उतार लिया, और 11 × 99 39 आ गया। इसका मीन हमें पता लग गया 39 है, 39 है। अब हम क्या करेंगे, मीन निकाल लिया, अब हमें मोड और मीडियन निकालना है, ठीक है, यानी बहुलक और माध्यक हम निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जितने भी ये नंबर्स हैं इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, बढ़ते क्रम में इनको अरेंज करेंगे हम। तो इंक्रीज और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे, सबसे पहले 6 आएगा आपका, फिर 8, फिर 10, 10 और 15, 15, 15, 50, 80, 100 और 120, ये आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने नंबर हैं इसको हमने अरेंज कर लिया है, ठीक है, अरेंज कर लिया है बढ़ते क्रम में। जैसे 15 3 बारी रिपीट हो रहा था हमारा, तो 3 बारी लिखा है, और टोटल नंबर कितने होने चाहिए, ये 11 होने चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है, मोड यानी बहुलक आप निकालेंगे। बहुलक कैसे निकाल सकते हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होगा, सबसे ज्यादा बारी आएगा, वो हो गया मोड। तो यहाँ पे देखिए 10 तो 2 बारी रिपीट हो रहा है, लेकिन 15 यहाँ पे 3 बारी रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसका मोड 15 आ जाएगा। अब हमें मीडियन निकालनी है, तो मीडियन में आप क्या करेंगे, जो बीच का नंबर होता है वही लिखते हैं मीडियन में। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर हैं आप काउंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पता लग रहा है कि ये 11 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 नंबर है पता लग रहा है, तो 5 आप एक तरफ छोड़ देंगे, 5 आप एक तरफ छोड़ देंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ छोड़ दिए मैंने 5, और इस तरफ भी 5 बच गए, तो ये 15 इसका मीडियन हो गया, आप लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये नंबर, ठीक है, 11 की बजाय मान लो 100 नंबर होते, 101 होते, 105 होते, और 405 होते, कुछ भी होता, इतना बड़ा अगर संख्या होती तो आप कैसे उनको काउंट करते, कितना समय लग जाता। तो इसीलिए इसके लिए एक फॉर्मूला आया है, ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये जो
नंबर्स हैं, इनकी संख्या ऑड होती है। क्या होती है? ऑड होती है यानी विषम होती है। इनकी संख्या विषम होती है, जैसे कि यहाँ पे 11 है, इस केस में कितना है? 11 है, और 11 क्या है? विषम है। ठीक है, तो इनकी संख्या अगर विषम होती है तो एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एन प्लस 1/2। ठीक है, एन क्या है? एन जितने नंबर है, ये जैसे एन यहाँ पे कितना है? 11 है। ठीक है, यहाँ पे एन कितना है? 11 है, और 11 ओड है, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए 11 प्लस 1/2 आप कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12/2, और ये आ गया, कैंसिल आउट करेंगे तो 6। तो यहाँ पे आप 6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सिक्स्थ टर्म आएगी, जो यहाँ पे आंसर आएगा वो वाला पद, वो वाली टर्म आप लिखेंगे एज ए मीडियन। तो छठा पद यहाँ पे कौन सा हो जाता है? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यही आ रहा है, 15 आ रहा है, तो इसका मीडियन हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, मीडियन 15 आ गया। आप 6 आंसर में नहीं लिख के आ जाएंगे, आप फिर जो अगर छठा सिक्स्थ वाला पद आपको बोला गया है तो वहां तक काउंट करेंगे, और जो वहां पे नंबर होगा वही लिखेंगे मीडियन में। ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। लेकिन अगर नंबर आपके इवन ओड हो तो ही आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और यहाँ पे पूछी गई है हमसे। तीनों चीज हमने निकाल ली है, माध्यक निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया और माध्य निकाल लिया। अब हमें माध्यक मतलब क्या होता है बच्चों? मीडियन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तीनों समान है, ये आपसे पूछा है क्या ये तीनों समान हैं? तो देखिए, जो हमारे पास मीन आया है वो 39 आया है, मीन अलग आया है, हालांकि मोड और मीडियन ये दोनों 15 आए हैं, ये दोनों सेम आए हैं, लेकिन मीन हमारे पास अलग है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये बराबर नहीं है, ये चीज आप बोल सकते हैं। इसी तरह बच्चों एक क्वेश्चन और हम करेंगे यहाँ पे, ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। ये देखिए क्या बोला गया है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का भार केजी में आपको दिया हुआ है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करने हैं। बहुलक और माध्यक आप कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे इनको सबसे पहले अरेंज कर लेंगे हम। क्या करेंगे? अरेंज इनको हम कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे हर बारी। देखिए आप ध्यान दीजिए कि हर बारी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले 32 आ गया, 32 हो गया, फिर उसके बाद 32 से बड़ा कौन सा है यहाँ पे? 32 से बड़ा 35 है, तो ये 35 हो गया, 35, और 35 से बड़ा कौन सा है? 36 है, 35 के बाद ये 36 आ गया, 36 आ गया। क्या 36 यहाँ पे रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर तो उसके बाद 37 आ गया, 37 आ गया, तो 37 यहाँ पे, 37 भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ा कौन सा होगा? फिर 38। देखिए मुझे 38 दो बारी तो यही दिख गया, और कहीं 38 आपको दिख रहा है? एक ये दिख गया 38, तीन बारी आ रहा है, तो 38 हम तीन बारी यहाँ पे लिख देंगे, 38 आ गया। फिर उसके बाद 38 के बाद 39 है नहीं, यहाँ पे 40 है, 40 एक बार दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। फिर 40 के बाद क्या आएगा? 40 के बाद 42 है, तो क्या 42 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, एक बार ही दिख रहा है, तो 42 लिखेंगे। फिर 42 के बाद 43 देखेंगे, तो 43 देखिए, एक दो और तीन बार यहाँ पे 43 रिपीट हो रहा है, 43 आप लिख देंगे। फिर उसके बाद 43 के बाद 44 है नहीं, फिर 45 है, 45 आप लिखेंगे यहाँ, 45 के बाद 47 और फिर 50 बच गया, ये 50 आप यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके अरेंज हो गए। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है? मोड निकालना है, मोड यानी बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होगा? बहुलक देखिए कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो बहुलक हो गया। तो देखिए सबसे पहले 38 को देखते हैं, 38 कितनी बार रिपीट हो रहा है? तीन बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 38 को आप लिख देंगे
क्या और कोई भी नंबर है जो 3 या उससे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? तो देखिए 43 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एंड 43, तो 38 और 43 दोनों ही इसके मोड हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर 43 38 से ज्यादा बार रिपीट होता तो आप बोलते कि भाई 43 है इसका मोड, लेकिन अभी दोनों इसके मोड होंगे। फिर मीडियन की बात आती है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो मीडियन है वो क्या होगा, एन प्लस 1/2 होगा, और यहाँ पे टोटल कुल टर्म कितनी है ये हमें देखना पड़ेगा, वही तो एन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल टर्म्स 15 है यहाँ पे, तो एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा बच्चों 15, एन 15 हो जाएगा। ये ऑड नंबर है 15, 15 ऑड नंबर, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, 15 + 1/2 कितना हो गया, 16/2, और ये हो जाएगा 8। तो मतलब जो आठवां पद होगा वो इसका मीडियन होगा, क्या होगा, मीडियन होगा, या फिर माध्यक आप बोल सकते हैं। तो आठवां पद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 40 इसका माध्यक होगा, मीडियन कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। तो हमने मीडियन यहाँ पे निकाल लिया है। तो इसमें ये पूछा गया है दूसरा पार्ट, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? तो देखिए बहुलक तो मुझे यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं दूसरे भाग में कि हाँ, एक से अधिक बहुलक हैं, और हमने मोड और मीडियन इस प्रकार से यहाँ पे इसका बता सकते हैं। बस बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप दोबारा से प्रैक्टिस जरूर करें। यहाँ पे हम मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज निकालना सीख चुके हैं, आपने फॉर्मूला भी देख लिया किस तरह से फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करते रहें आप क्वेश्चंस की। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हुए हैं वो उम्मीद है आपको सब समझ में आए होंगे, और आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे लगातार। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।